नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री आलोक शर्मा ने बताया कि दिनांक 8 जून 2020 की शाम लगभग 5:45 बजे विश्वसनीय भूबीर से क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की इंडिका अरिस्टा कार में दो व्यक्ति बालाघाट की ओर से अधिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आए हैं, जो सेठी नगर में MGM स्कूल के पास खड़े होकर गांजा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। चालक सीट पर बैठा व्यक्ति नीले रंग की शर्ट और पीछे बैठा व्यक्ति आसमानी सफेद प्रिंट वाली शर्ट पहने हैं। यदि दबिश दी गई तो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। सूचना पर NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई। मुखबिर के बताए अनुसार MGM स्कूल के पास खुले मैदान में बताए हुए नंबर की कार खड़ी दिखी। पुलिस को देखकर ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति कार को स्टार्ट कर भगाने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम अभिलाष उर्फ अल्लू और कार के पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अजय उर्फ अज्जू पटेल बताया। सूचना से अवगत कराते हुए कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर एक प्लास्टिक की बोरी रखी मिली। बोरी के अंदर चेक करने पर प्लास्टिक की पन्नी के अंदर 10 पैकेट में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला, जो तौल करने पर 9 किलो 300 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1,00,000 रुपए है, होना पाया गया। कार सहित गांजा और 2 मोबाइल जब्त करते हुए आरोपी अभिलाष पांडे और अजय पटेल के विरुद्ध थाना गोरखपुर में अपराध क्रमांक 339/2020 धारा 8-20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में अभिलाष पांडे ने स्वयं की कार होना और उक्त गांजा अपने साथी अजय पटेल के साथ बालाघाट से गांजा खरीद कर लाना बताया, जिसकी तस्दीक की जा रही है। दिनांक 8/6/2020 को हमको सूचना प्राप्त होती है कि MGM स्कूल के पीछे दो व्यक्ति हैं, जो कि एक कार खड़ी हुई है और उसमें गांजा होने की सूचना है। जब हमारी पुलिस मौके पर जाती है, उसमें दो व्यक्ति सवार मिलते हैं तो हम उसकी डिग्गी खुलवाते हैं उनसे। जब डिग्गी खोली और पतासी करते हैं उनकी, तो उसमें हम पाते हैं कि एक बोरी में लगभग 10 पैकेट में 9 किलो 300 ग्राम गांजा हमको प्राप्त होता है। और जब उनका नाम पता पहुँचा तो उन्होंने अपना नाम बालाघाट का निवासी बताया और अजय पटेल और अभिलाष पटेल अपना नाम बताया। और जो उसकी कीमत है, इसकी मसूका की जो कीमत है 1,00,000 रुपए है और हमने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर ली है। 8/26 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों को हमने कोर्ट में पेश कर दिया। और क्या बरामद हुआ है? इनके पास से 10,000 रुपये नकदी हैं, एक कार है और 2 मोबाइल फोन हैं। कहाँ से लाया बताया है गुंजन का? ये बालाघाट के हैं, बालाघाट के जंगलों से ही रजे, मतलब गांजा खरीद के लाए हैं बालाघाट के रजे गांव के जंगल से ही, तब इनका गांजा लाना बताया गया। सर किसके यहाँ देने आए थे ये गांजा, कुछ पता चला?